हाय डियर माय फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोग को स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड किया जाता है मैं वो दिखाऊंगा। शॉर्टकट में आप लोग थोड़ा ट्राई करो तो समझ आएगा। सिंपल से फंडा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आ गए तो यहाँ पे हम लोग सपोज हम लोग को व्यू है, मार्केट नीचे जा रहा है, राइट। तो हम लोग क्या करूँगा, मार्केट व्यू है मतलब हम लोग कॉल सेल करूँगा, राइट। अगर बाय करे तो भी कर सकता है, सेल कर भी कर सकते हो, वो आपको ऊपर डिफरेंस करेगा। अब बाय करेगा तो उसका डेल्टा अलग है, ठीक है, और सेल करे तो उसका डेल्टा मतलब आपको देखना पड़ेगा। कॉल डेटा सेम डेल्टा सेम ही रहता तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्या है नहीं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिसाइड करेगा, हमने कॉल को शॉर्ट करेगा, राइट। तो हम यहाँ पे लेके आ रहा है तो हमको उनको कॉल शॉर्ट करना है, राइट। तो हमको यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ये हमारा एंट्री पॉइंट, ये हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा टारगेट, राइट। तो हमने इतना दे दिया सिंपल से आपको दिखाने के लिए। और ऐसा ही ये है ये स्टॉप लॉस, राइट। तो हम लोग कॉल शॉर्ट करेगा तो सेलिंग का बात कर रहा हूँ, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट, ये हमारा टारगेट। तो हम लोग टारगेट अभी हम लोग एक्सेल शीट आएगा, हमारे पास एक्सेल शीट है, ठीक है। तो हमारे पास एक्सेल शीट है, अभी एक्सेल शीट हमारा वन करना पड़ेगा, सॉरी लेट्स फॉर डॉक्यूमेंट्स। थोड़ा सा वेट कर रहा है, एक सेकेंड टू वेट करेगा। तो आगे हम लोग एक्सेल शीट में तो हम लोग फटाफट ले लेता है। तो हमारे पास 31,200 मोबाइल में लिख रहे हो, 31,269 बीस वाला हमेशा 20 का एंट्री प्राइस देखो, इधर है 31,269.20, राइट। तो इसका हम लोग को पास फ्लैश आएगा, उसके बाद 31,475.50, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये ले रहता 31,269.20, राइट। तो हम लोग को क्या करना है, कॉल शॉर्ट करना है। तो हम लोग फ्यूचर में हम लोग को फ्यूचर को क्या करना पड़ता है, सेल करना पड़ता है। तो हम लोग फ्यूचर में का फैला किधर से भी इसका फ्यूचर का पॉइंट निकलेगा, तो हम लोग फ्यूचर का पॉइंट मतलब कॉल शॉर्ट करेगा तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट निकलेगा। तो हमारे पास आ रहा है सेलिंग पॉइंट, तो हम लोग ये ले लेता हूँ एंट्री पॉइंट 31,000, कौन सा भी लो तो 31,200 कॉल को सेल करेगा, राइट। हम लोग तो ऊपर का लेना पड़ेगा, अगर आप बाय कर रहे हैं तो पुट बाय कर रहे हैं तो पुट को सेल कर रहे हैं तो ये नीचे का पुट, ठीक है। तो आप यहाँ पे 31,269 पॉइंट कितना था, 69.20 था, राइट। तो पॉइंट 20 तो हम लोग दे दिया, उसके बाद हम लोग को पास आएगा स्टॉप लॉस पॉइंट, राइट। तो हम लोग स्टॉप लॉस डिसाइड करेगा, तो हम लोग स्टॉप लॉस डिसाइड करें, स्टॉप लॉस आएगा हम लोग को पास 31,475.50। तो हमारा पास स्टॉप लॉस आ रहा है 206.3, मतलब यहाँ पे हमारा पास स्टॉप लॉस आ रहा है, यहाँ पे मैंने नहीं बिठा, हमारा पास स्टॉप लॉस किधर आ रहा है, तो ये स्टॉप लॉस तो यहाँ पे है, यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये एक हमारे पास स्टॉप लॉस आसा है कितना, 5,100 मतलब 200 पॉइंट का बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है, ठीक है। तो 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है, और हमारा पास अभी टारगेट पॉइंट भी हम लोग को होना चाहिए, राइट। टारगेट के लिए हम लोग के पास क्या सेलिंग कर रहा, तो टारगेट हमारा पास 3,0956.95,
तो हम लोग थोड़ा स्लो कर रहा हूँ, इतना स्लो नहीं होता। 3 0 9 5 9 5 तो हमारे पास टारगेट आ रहा है कितना, मतलब अगर आपको हमारे पास यहाँ पे गलत कर दिया, हम लोग नीचे का लेना था ऊपर लगा दिया, गलत उल्टा हो गया, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे हमारे पास 300 पॉइंट का 312 पॉइंट का हम लोग को पास आ रहा है। तो हम लोग सेम चीज़ का ऑपोजिट करता हूँ, नीचे वाला ये कन्फ्यूज में गलत लगा दिया, ऐसा भी कोई फर्क मतलब कब प्रॉब्लम नहीं, सेम ही है। इसका 206 पॉइंट आ रहा है तो इधर ही ले लो, ठीक ही है, चलेगा। 7068 ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे ये क्या है दिया, नेट प्रॉफिट के लिए दिया है, तो हम लोग को इसको नहीं चाहिए ना, हम लोग को खाली स्टॉप लॉस होना, तो टारगेट भी देखना चाहिए ना। 312 पॉइंट आ रहा है, 200 पॉइंट का मतलब 1:2:3 मतलब 2 रुपये लॉस होगा, 3 रुपये प्रॉफिट होगा, ऐसा हो रहा है इसमें, ठीक है। तो अभी हम लोग को पास ये तो हो गया, और हम लोग को पास अभी इसका हम लोग स्ट्राइक प्राइस चूज करेगा। अभी हमारा पास कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, 206 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, 206 पॉइंट मतलब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई अभी तक 70 पॉइंट यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई नहीं किया, अभी स्ट्राइक प्राइस चूज करेगा तभी होगा यहाँ पे। तो स्ट्राइक प्राइस हम लोग लेगा, स्ट्राइक प्राइस हम लोग न्यूअर प्राइस 31,012 राइट, न्यूअर प्राइस 31,012 रुपीज़। तो हम लोग यही वाला 31,033,000 का ले लेता हूँ, 31,300 राइट, ये प्राइस लेता हूँ। इसका कॉल रेट है 0.39, 31,300 और 0.39, एक सेकेंड 0.39 31,300 कॉल आ रहा है, 31,300 हमारा डेटा 0.39 था राइट, 39। तो हमारा पास कितना 80 पॉइंट आ रहा है स्टॉप लॉस, मतलब 100 पॉइंट का अंदर, ये तो कोई ज़्यादा ही हो रहा है ठीक है, स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, क्योंकि ऑप्शन में अगर 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस बोले तो मेरे लिए बहुत बड़ा है, 50 पॉइंट का आना चाहिए। तो यहाँ पे फ्यूचर का भी 200 पॉइंट आ रहा है ना, तो ये हिसाब से यहाँ पे इसीलिए बड़ा आ रहा है, अगर 100 पॉइंट आता तो इसका अंदर 50 का है भी, 40-50 अंदर आ जाता, तो इसमें लॉस कितना नेट लॉस दे रहा है 2011 ठीक है, 2011 रुपया लॉस दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस भी चूज कर जाता हूँ राइट, स्ट्राइक प्राइस भी हम लोग ले लेता हूँ, स्ट्राइक प्राइस हम लोग को कॉल कर 300 लिया था, 33 तो 219.80 राइट, 219.80 राइट। तो हम लोग के पास ये है, हम लोग को ऑप्शन सेलिंग का, ऑप्शन सेल करने के लिए हम लोग पास 139 यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, और बाइंग करने के लिए आपको 300 बाइंग का बाद नहीं, यहाँ पे सेलिंग का सोच रहा हूँ 139। तो डियर माय फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग को एक सेट से यहाँ पे क्या हुआ, 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है ठीक है। तो 206 इसका मल्टीप्लाई किया गया हम लोग किसका, 3130 इक्वल टू सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 3130 का डिवाइड करना पड़ेगा 206 में, 206 डिवाइड बाई 80 पॉइंट आ रहा है, 80 पॉइंट, तो 80 पॉइंट 0.33.83 इक्वल 0.39 इंटू 80 पॉइंट राइट, सॉरी इंटू 20 पॉइंट, इसका मतलब
इक्वल टू यहाँ पे 80 पॉइंट आ रहा है, राइट। 80 पॉइंट आने का 0.33 इक्वल 0.33 डेटा इक्वल टू 206 डिवाइड कर 80 पॉइंट, हाँ ओके 80 पॉइंट इंटू 25 2011, ओके 219 प्राइस 300, 200 अगर आपने बाय किया 300 में, 300 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप बाय करें तो, अगर आप सेल कर रहे हैं तो 139 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो 139 ठीक है, वो आपको प्राइस बेस में होगा। सेलिंग कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस ऊपर आना चाहिए, यहाँ पे बाइंग सेलिंग उल्टा कर दिया गया, 219 से 300 मतलब आप सेल कर रहे हैं तो ऊपर होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस, राइट। तो 139 यहाँ पे गलत कर दिया, इसका इधर बिठाना इसका इधर बिठाना, ठीक है कोई बात नहीं, इसे इसको देख कर नहीं लिखना ऐसा, क्योंकि आप पॉइंट बेस में खुद ही ट्रेड लेना है, तो प्राइस बेस में आपको देखने का जरूरत ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपको 80 पॉइंट लगा रहा है ना, तो 80 डिवाइड बाई 25 देखो हमने आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से आपको दिखा रहा तो अच्छा रहेगा। अपने पॉइंट आपको खाली पॉइंट होना चाहिए, राइट। तो आप उनको यहाँ पे 25 सपोज 80 पॉइंट हम लोग को स्टॉप लॉस में, तो बड़ो ज़्यादा होता है या इतना नहीं रखना चाहिए और ट्रेड ही नहीं लेना चाहिए यहाँ पे, तो इक्वल टू 25, राइट, लॉट 25 है बैंक निफ्टी का, तो हमारे पास 2000 रुपया आ रहा है, तो 2011 रुपये क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा ना, तो 2000 रुपये हमारा ऑप्शन में सेलिंग में स्टॉप लॉस आ रहा है, तो 2000 अगर आपने यहाँ पे 219 प्लस अभी हम लोग के पास 80 पॉइंट का 80 आ रहा है, राइट, तो हमारे पास 299 300 करीब आ रहा है, तो यहाँ पे सेलिंग लिखना चाहिए, गलत कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, इसको मैं चेंज कर देगा, यहाँ पे सेल का आना चाहिए, सेलिंग का सोच रहा था, तो यहाँ पे सेल लिखना, यहाँ पे बाय लिखना चाहिए, तो यहाँ बाय, यहाँ पे अभी इसमें मैं ही ठीक कर देता हूँ, क्योंकि अभी उसको डाटा सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे भी सेम वही हुआ होगा सर, यहाँ नीचे का ऊपर का, क्योंकि इसका इधर लगाना इसका इधर लगाना, तो ठीक हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डियर माय फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिखना है, सॉरी यस नहीं बोल रहे, कलर भी चेंज करना पड़ेगा, दी सॉरी वाई, कैलकुलेटर सेम है, ठीक है, तो होगा यहाँ पे टोटल 80 पॉइंट है, टोटल 80 पॉइंट है, आहा फिर से यहाँ पे नेट, सो नेट गलत देखा नहीं, मैं मोबाइल में ध्यान दे रहा हूँ, बस हो गए, इसको डाटा सेव कर देना हो जाता है, ठीक है, ये आप खुद ही कर सकते हैं, आपको एक्सेल शीट दे रहा हो तो इधर उधर आप देख लेना, ठीक है, वैसा हो जाता है, तो क्योंकि हम लोग को पॉइंट होना चाहिए, राइट, 80 पॉइंट खाली ये पॉइंट होना चाहिए, मल्टीप्लाई 2000 लॉस हो रहा है, तो यहाँ हम टारगेट ने डिसाइड नहीं किया, अगर टारगेट भी हुआ तो यहाँ पे हम आप खुद बैठा सकते, क्योंकि स्टॉप लॉस वेरी इंपॉर्टेंट है, तो टारगेट आपको ऊपर डिसीजन है, टारगेट देखो अगर 200 पॉइंट का आप टारगेट ले रहा है तो आपको 300 पॉइंट 100 पॉइंट तो ज़्यादा होना ही है ना, तो इतना पॉइंट यदि रिक्स ही होता है 200 पॉइंट फिर भी आप 5000 लॉस, मतलब 2000 का बेटर रहेगा, 3000 ठीक है, मगर 5000 बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस आपको उठाना नहीं चाहिए, आपको 150 पॉइंट मैक्सिमम 150 पॉइंट आपको स्टॉप लॉस होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको स्टॉप लॉस होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, तो मेरा बात समझ में आएगा, आप 100 पॉइंट से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हाँ नहीं तो ट्रेड ही नहीं लेना, ठीक है, तो थैंक यू डियर माई फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बाय बाय, टेक केयर।